जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है झारखंड राज्य में, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में ये कार्यक्रम दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक निर्धारित है और दूसरा चरण 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक निर्धारित है। हमारे जिले में कुल 250 पंचायत है और हर प्रखंड के आधे पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन पहले चरण में और शेष बचे पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन सेकेंड फेज में किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से राज्य सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, और लोगों से मेरा अपील है सभी ग्रामीण जनता से हजारीबाग जिले के कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन शिविरों में आए और इन सभी योजनाओं का लाभ लें। मुख्यतः हमारा जो फोकस है वो कुछ योजनाओं पर ज्यादा है इस बार, जैसे कि सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग किशोरियों को उनके शिक्षा के लिए लाभ दे रहे हैं, सर्वजन पेंशन योजना, ग्रीन कार्ड की योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान और कई ऐसी योजनाएं हैं राज्य सरकार की जिसको हम लोग इस बार केंद्रित, जिस पर हमारा फोकस केंद्रित रहेगा। और एक बार पुनः मेरा सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें और जो भी स्कीम्स हैं राज्य सरकार की उनका फायदा उठाएं, उनका लाभ उठाएं, ताकि हम लोग अपने राज्य को, अपने जिले को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाए। और आज की तिथि में इन सभी एप्लीकेशंस का डिस्पोजल कर दिया गया है। पशुपालन विभाग, गव्य विकास विभाग, इन विभागों से संबंधित जो स्कीम्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनसे उनका ये बेनिफिट ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है CMAGP, जिसमें जो हमारे युवक हैं वो रोजगार स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और अपना जो भी लाइवलीहुड या उनके आजीविका का माध्यम है उसे बेहतर बना सकते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान है, बहुत हद तक सरकार ने उसका निराकरण करने की कोशिश किया, और आप जानते हैं कि हमारा सरकार बनने के बाद 2 साल लगातार हम लोग कोरोना काल में ही बिताया, उसमें अच्छा काम हम लोग नहीं कर पाए। और हमारा यहाँ दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई नियोजन हुआ, जैसे नियोजन हुआ हम उसका क्या बोलते हैं नियोजन लेटर वितरण किया, उसके बाद हाईकोर्ट। इस बार हम लोगों ने ऐसा नियम बना कर ले जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में कभी भी किसी का नियोजन होने के बाद वो कोई समस्या नहीं रहे, और लगातार जो है एडवर्टाइज निकल रहा है, चाहे टीचर का हो, चाहे हमारे विभाग से हो, सभी विभाग से अभी हो रहा है। आप देखे होंगे कि कृषि विभाग में कभी भी लोगों का नियोजन नहीं किया गया था, 20-30 साल से इस बार किया गया है, हमारा विभाग में भी हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी हो रहा है। इसलिए हमारा काम अभी जो समय है उसमें हम चाहेंगे बेरोजगार कर्मचारी हो चाहे कोई कर्मी हो, लोग अपना मान को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, और सरकार इसका नियम के अनुसार जो भी उसका होता है उस करने के लिए करते भी हैं। और हमारे जो कार्यक्रम जो शुरुआत कल से करने जा रहे हैं, 3D से हमारे मन उसका शुरुआत करेंगे। लास्ट ईयर नवंबर महीने में हम लोग शुरुआत किए थे सरकार आपकी फोन, और ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई, और लोगों को लगा कि बहुत दिनों के बाद इस सरकार ने एक अच्छा कार्यक्रम लिया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिसको ब्लॉक CO ऑफिस या जिला ऑफिस आने के लिए आते भी थे लेकिन लंबा समय लग जाता था, बार बार घूमने के बाद नहीं भी हो पा रहा था, घर बन जाते थे। वैसे हम लोग ने बहुत देखे, बहुत लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बरसों से वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन का या PDS की दुकान के माल की शिकायत करते हैं, उस पर निष्पादन नहीं हो पा रहा, लेकिन लास्ट ईयर जब हम लोग इसको लेकर गए तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, और हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसी दिन किसी किसी जिला में 70%, 72%, यहाँ तक 85% लोगों का जो है काम हो गया।